छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के ग्राम कलंगपुर में टनसेना कलार समाज के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मंच में मां बहादुर कलारिन के नाम से वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की। वहीं ग्राम परसही के पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल के रूप में उन्नयन करने की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम सिकोसा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और ग्राम कलंगपुर में सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही गलियों में सीसी रोड निर्माण व सोलर हाई मास्क लाइट के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। इस दौरान रासुका लगाने को लेकर उपजे विवाद और बीजेपी के हमलावर होने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह मूर्खता की पराकाष्ठा, रासुका राष्ट्रीय कानून है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ना होकर यह कांग्रेस सुरक्षा कानून है। कांग्रेस को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया गया। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, ये कांग्रेस सुरक्षा कानून है। रासुका में जो प्रावधान है, किसी भी समय पुलिस को इतनी शक्ति दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर 1 साल के लिए बिना कारण बताए जेल पे डाल सकता है, जमानत नहीं होगी। वो मीडिया कर्मी हो, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, आंदोलन करने वाले कर्मचारी अधिकारी हो, या जो कांग्रेस जिसको निशाना बनाना चाहती वो तत्व हो। कांग्रेस ने फिर से एक बार आपातकाल लगाने की साजिश की है। मित्रों, मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में तुष्टिकरण और धर्मांतरण के एजेंडे पे कांग्रेस सरकार काम कर रही है। देखिए, ये जिसको कहते हैं ना मूर्खता की पराकाष्ठा, रासुका है वो राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं है। और हर 3 महीने में इसको नोटिफिकेशन करने का प्रावधान है। रमन सिंह के कार्यकाल में भी ये इस प्रकार से नोटिफिकेशन किया गया था और हर 3 महीने में इसका रिन्यूअल होता है, नोटिफिकेशन होता है। उसी तहत किया गया है जिसको ये धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं भाई। मतलब लोगों को मतलब समझते गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अरुण साहब खुद हाई कोर्ट के वकील रहे हैं और वो सब जानते हैं। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके कार्यकाल में भी ये हुआ। और ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में होता है, क्योंकि राष्ट्रीय कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा ही बोलते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी क्या कि देश में बनेगा? इसी समझ आना चाहिए। लेकिन इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि मानसिक रूप से दिवालियापन है इनका। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, लोगों के बीच में कैसे सरकार के खिलाफ वातावरण के बीज रोपित किया जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।